ने कहा कि अरे बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, वो अपने दमदार भाषणों के दम पर सबको करारा जवाब भी देते हैं। ऐसे में मौजूदा वक्त में देश की सियासत में एक तरफ रामचरितमानस का विवाद छाया है तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। वहीं मौलाना मदनी ओम और अल्लाह को एक बताने में जुटे हुए हैं, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इसी बीच बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। अब सीएम योगी के इसी बयान को जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के ओम और अल्लाह वाले बयान पर जवाब माना जा रहा है। सीएम योगी ने इसके अलावा साफ तरीके से मदनी का नाम लेकर उन पर तीखा तंज कसा है और साफ कह दिया है कि सनातन धर्म पर बोलने का हक किसी को नहीं है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है, मदनी साहब बुजुर्ग हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन गलती उनकी नहीं है। वह तो वही बोलेंगे जो उन्हें पढ़ाया गया, उन्होंने यही सब पढ़ा ही है। जिसने दुनिया देखी ही नहीं वो तो यही कहेगा, जिन लोगों को हम उंगली पर गिन सकते हैं कितने दिन का है उनका इतिहास, वह हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे, तो फिर यह सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही और मदनी को करारा जवाब दिया है। इसके अलावा एक ट्वीट के जरिए भी उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। वहीं अपने बयान में उन्होंने विस्तार से बात की है और आगे कहा है, भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जात सूचक और मजहब सूचक शब्द नहीं है। हिंदू राष्ट्र किसी को परहेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको मत, मजहब और संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। संविधान के प्रति हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। गौरतलब है कि मदनी ने इससे पहले कहा था कि बहुसंख्यक समाज के पूर्वज हिंदू नहीं बल्कि मनु थे और ये ओम यानी अल्लाह की पूजा करने वाले थे, जिसके बाद हंगामा मच गया था। लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। अब सीएम योगी ने मौलाना मदनी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए तीखा जवाब दिया है और कहा है कि जिनका इतिहास हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, अब वो हमें प्राचीनता और पौराणिकता के बारे में बताएंगे। वहीं इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र धर्म पर बात करते रहे हैं, इसी तरीके से वो लगातार बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने राजस्थान के जालौर से खुले मन से ऐलान किया था हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म है, जिस पर विपक्ष ने उस वक्त बवाल काट दिया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम रहे और अब एक बार फिर से उन्होंने जबरदस्त तरीके से बात कही है और हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी को करारा जवाब दिया है। फिलहाल सुनिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो दमदार बयान जिसमें वो हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म बता रहे हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।